हाय फ्रेंड, मैं हूँ मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ बॉडी फ्लूइड के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीएल के एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जितने भी सेंट्रल लेवल के होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि जितने भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए, आज का जो मेरा एमसीक्यू है, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज ऑफ फ्रुक्टोज इन सीमेन। फ्रुक्टोज का नॉर्मल रेंज कितना होता है इन सीमेन में? 150 to 300 mg/dL। सेकेंड क्वेश्चन है, लिक्विफिक्शन टाइम ऑफ सीमेन। लिक्विफिक्शन टाइम कितना होता है सीमेन का? 20 to 30 minutes, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज ऑफ स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट का नॉर्मल रेंज कितना होता है? 40 to 300 millions/ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? चौथा नंबर है, स्पर्म वॉशिंग इज बेनिफिशियल इन द केस ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किस कारण से स्पर्म वॉशिंग जो है, किस केस में बेनिफिशियल होता है, माने लाभ बेनिफिशियल होता है, स्पर्म वॉशिंग क्यों जरूरत पड़ता है? इसका आंसर है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, सेकेंड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, उसके बाद क्या है, मेल विथ एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, नेक्स्ट है वोमेन विथ इंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। इन सभी रीजन के कारण क्या करना पड़ता है, स्पर्म का वॉशिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनिश कलर ऑफ स्पूटम सीन ड्यू टू रीजन ऑफ ग्रीनिश कलर का स्पूटम किस कारण से हमको दिखाई देता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीडोमोनस इन्फेक्शन और रक्चर ऑफ लीवर एब्सेस इन लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन विच क्लिनिकल कंडीशन चारकोट ले डाउन क्रिस्टल प्रेजेंट इन स्पूटम। किस कंडीशन में चारकोट ले डाउन क्रिस्टल जो होता है प्रेजेंट रहता है स्पूटम में? ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, इस कंडीशन में ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्जुडेट फ्लूइड जो होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1.018, ठीक है। एग्जुडेट फ्लूइड में क्या होता है, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, ठीक है, 1.08 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल होता है। ट्रांजुडेट में कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? लेस देन 1.018 होता है, और प्रोटीन कितना होता है? less than 2.5 gram/dL, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन प्रेजेंट इन एग्जुडेट फ्लूइड्स में कितना होता है? above 2.5, और तो ट्रांजुडेट में कितना हो जाएगा? less than 2.5 gram/dL प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिन स्पेस बिटवीन टू पुलर लेयर इज नोन एज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुलर
कैविटी, ठीक है, टू पोलर लेयर के बीच में जो कैविटी होता है उसको क्या बोलते हम लोग, पोलरल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलरल फ्लूइड आर ऑब्टेंड बाय, पोलरल फ्लूइड जो होता है हम लोग कैसे ऑब्टेंड करते हैं, कैसे कलेक्शन करते हैं, प्री क्यूटेनियस पंचर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पोलरल फ्लूइड कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, पोलरल फ्लूइड शुड बी एग्जामिन्ड एज अर्ली एज पॉसिबल टू प्रिवेंट, हम लोग पोलरल फ्लूइड को जल्दी से जल्दी क्यों एग्जामिन करना चाहते हैं, क्योंकि वह ज़्यादा रखने से क्या होता है, केमिकल चेंजेस होने लगता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और डिसइंटीग्रेशन टू सील, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना जल्द से जल्द हो पोलरल फ्लूइड का एग्जामिनेशन हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ पोलरल फ्लूइड इज टर्बिड देन डाइल्यूट, यदि पोलरल फ्लूइड टर्बिड होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट करते हैं 1:20 रेशियो में डाइल्यूट करके, इसके बाद हम क्या करते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं हम लोग सीधा ही माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन चार्ज करके करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, बाय व्हिच मेथड प्रोटीन एस्टिमेशन इज डन इन केस ऑफ पोलरल फ्लूइड, पोलरल फ्लूइड के ये प्रोटीन टेस्ट करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करते हैं, बायोरेट मेथड, इसमें लोग क्या करते हैं जैसे ब्लड का टेस्ट करते हैं वैसे भी इसका करते हैं, लेकिन करते हैं क्या इंस्टीड ऑफ सीरम हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे CSF पोलरल फ्लूइड देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, बाय व्हिच मेथड ग्लूकोज एस्टिमेशन इज डन इन केस ऑफ पोलरल फ्लूइड, पोलरल फ्लूइड में हम लोग ग्लूकोज एस्टिमेशन कैसे करते हैं, वही मेथड है इंटर ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड। इसके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल का फंक्शन क्या होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन विद पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मतलब क्या है उसका फ्रिक्शन को कम करते हैं, ठीक है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा और नेक्स्ट डे से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा एमसीक्यू का। दोस्तों यदि आप लोग अच्छा लगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि किसी भी टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके हम लोगों को मेरे पास पहुँचाइए, मैं ज़रूर इसके ऊपर बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।